हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट होममेड मिठाई। घर पे बनाइए इस दिवाली। अगर एक बार ये मिठाई बना ली तो बाजार से लाना भूल जाओगे। बहुत ही सस्ती और सुंदर मिठाई है, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी मखाने को, सबसे पहले तो इनको एक कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है। इस तरह चलाते हुए इनको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से फूट जाने चाहिए हाथ से। इस प्रकार इनको रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा इसमें अच्छी तरह से रोस्ट नहीं हुआ है तो थोड़ी देर और मैं इसको चला लेती हूँ। तो यहाँ ये हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देना और इनको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो ये हमारे मखाने इस तरह अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इसका मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से बारीक पाउडर बना लेना है। इस तरह से देख सकते हो आप, बिल्कुल ही बारीक बन के तैयार हो चुका है। अब वापस उसी कढ़ाई में एक गिलास दूध ऐड करेंगे। अच्छा मलाई वाला दूध है। और इसमें उस मखाने के पाउडर को अच्छे से छान लेना है। अभी गैस की फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया है, गैस की फ्लेम को बाद में ऑन करना है। तो उसको अच्छे से छान लेना है और ये जो इसका मोटे मोटे दाने की तरह निकला है इसको फेंक देंगे एक तरफ। तो देखिए मखाने का पाउडर इस तरह से, अब इसको हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम मिल्क पाउडर भी डालने वाले हैं। आप चाहो तो यही इसी स्टेज पे मिल्क पाउडर को भी ऐड करके और मिक्स कर सकते हो। मैंने वैसे बाद में डाला है। तो ये इस तरह से मखाने का पाउडर में अच्छे से दूध में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसी में लगभग 4 चम्मच, इतना छोटे चम्मच से 4 चम्मच मिल्क पाउडर ले लेना है। तो इस तरह छोटे चम्मच से 4 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर लेना है और इसको छलनी में अच्छे से छान लेना है जिससे इसमें लम्स नहीं रहेंगे। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकते हो आप, इस तरह अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। जिस तरह हमने मखाने के पाउडर को मिक्स किया था इसी तरह मिल्क पाउडर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हो इसमें एक भी लम्स नहीं है। अब यहाँ गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और अच्छे से इस तरह चलाना है। चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना है। तो इसी तरह से इसको चलाना है तब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है अच्छे से। ये देखिए इस तरह, जैसे दूध की मिठाई बनानी बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन हम बिना चाशनी के बनाएंगे इसको। तो ये देखिए हल्का हल्का सा गाढ़ा होने लग गया है, ये देख सकते हो आप। जब तक अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसको ऐसे चलाएंगे। ये देखिए इसमें बुलबुले उबाल आने लग गया है, बुलबुले उठने लग गए हैं। अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और गाढ़ा होने में। तो यहाँ हम इसको ऐसे चलाते हुए और इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे लगभग 3-4 चम्मच। 4 चम्मच शक्कर लिए मैंने। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप यहाँ 1 कटोरी शक्कर ऐड कर सकते हो। थोड़ा हम मीठा कम खाते हैं तो मैंने यहाँ 4 चम्मच शक्कर और 2 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है। इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसी तरह से चलाना है। ये आप देख सकते हो ये इस तरह और गाढ़ा हो गया है।
थोड़ी देर और इसे चलाएंगे तो ये इस तरह का गाढ़ा हो गया है। ये हमारी मिठाई का डो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें लगभग 70% एक तरफ कर लेना है और 30% इसी में रख लेंगे। तो 70% पार्ट तो मैंने यहाँ एक प्लेट में रख लिया, निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। और इसमें थोड़ा सा दूध में ग्रीन कलर का फूड कलर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस फूड कलर को इस डो में डालते हुए इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे आवश्यकता अनुसार। तो मैंने फिलहाल यहाँ थोड़ा सा डाला है और इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें कलर नहीं आया है, हल्का आया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करके, तो ये इस तरह देखिए हल्का कलर लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कलर और डाल दूंगी मैं और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसका अच्छा कलर आ गया है तो इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देख सकते हो आप अच्छे से हमारा कलर इसमें मिक्स हो चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद नहीं किया था, चालू गैस फ्लेम में इसे चलाना है। अच्छे से कलर मिक्स हो चुका है, यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको भी थोड़ा ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। यह एक पॉलीथीन लेनी है, अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर भी ले सकते हो। और इस पे जो ये ग्रीन कलर की हमारी मिठाई है इसको इस तरह से गोल गोल राउंड में रोल बना लेना है इसका। तो देख सकते हो इसको इस तरह से रोल की तरह बना लेना है। ये और इसको एक तरफ रख देना है। अब ये जो देखिए इस तरह का रोल बनाना है, अब इसको एक तरफ कर देंगे और वो जो सफेद कलर का हमारा डो है उसको ले लेना है। इसको भी हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है पहले। तो ये देख सकते हो आप अच्छे से इस तरह, और बिल्कुल बेस सेंटर में इस तरह इकट्ठा कर लेना है इसको। ये और इस तरह हाथों की सहायता से इसको फैला लेना है, जिस तरह मैं फैला रही हूँ इस तरह से फैला लेना है और रोटी के आकार में इसको गोल गोल बना लेंगे, जिसमें अपना ये ग्रीन वाला रोल अच्छे से आ जाए। इतना स्पेस इसमें जरूर रखना है। तो देखिए अब मेरा गोल रोल इसमें अच्छे से आ रहा है और इस व्हाइट कलर के डो के अंदर इसको इस तरह से रोल कर देना है। ये देख सकते हो आप, ये थोड़ा और इसको रोल करते हुए फैला देंगे इस तरह से। हल्के हाथों से घुमाना है, ज्यादा दबाव नहीं देना है। देख सकते हो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आगे भी मेरी रेसिपी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी पॉलीथीन में इसको रोल करके इस तरह 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो 10-15 मिनट बाद देख सकते हो आप इस तरह अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको थोड़ा मैं देख
एक प्लेट में लेके चांदी का वर्क लगा दूंगी। अगर आपके साथ पास पिस्ता हो तो इसको आप पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हो। तो इस तरह से चांदी का वर्क लगा देना है। आगे भी अगर मेरी रेसिपी देखना चाहते हो तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरी रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आपको मिले, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो ये देखिए, इस तरह से चांदी का वर्क इस पे लगा देना है। इस तरह से मैं लगा रही हूँ। और इस दिवाली ये वाली मिठाई जरूर ट्राई करके बताएं और कैसी लगी कमेंट भी करना। तो इसको चांदी का वर्क लगा दिया है इस तरह। अब इसको हम चाकू से कट करेंगे। तो देखिए, मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। इस तरह से कट करना है, लगभग आधे आधे इंच के गैप में मैं इसको कट कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हो। तो ये हमारी झटपट से बिल्कुल मार्केट जैसी घर पे बनी हुई शुद्ध एवं स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। मार्केट की मिठाई में आजकल बहुत ही केमिकल वगैरह आते हैं, तो इस दिवाली ये वाली मिठाई जरूर ट्राई कीजिए। वैसे भी मखाने बहुत हेल्दी होते हैं, तो ये हमारी मखाने की मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। देखिए, मैं इसको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। तो देख सकते हो आप कितनी सुंदर लग रही है देखने में, और बननी भी है उतनी स्वादिष्ट है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।